हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मेरी बेटी वो देखी वो रही आज के आज इसका लुक के चेंज है। और आज है 5 सितंबर और आज हमारी मम्मी लिपाई पोताई करी है, घर का भी इसका भी करी है, बाहर कर रही है। अभी देख सकते हैं चमक रहा होगा, गोबर गोबर से किया हुआ है क्योंकि कल हमारे यहाँ पूजा है, तो आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरी बेटी को देखिए, बहुत देर से यहाँ पे पड़ी है, इसको कह रही हूँ चल बाहर घूमने तो नहीं जा रही। देखिए मैं इसको चोटी बांध दी थी, चोटी खोल ली, बदमाश कहीं की, अगर मैं अभी बांधूंगी तो बहुत रोएगी। फाइनली अभी हो रहा है शाम का टाइम और हमारे इधर गर्मी काफ़ी तेज पड़ रही है। ये देखिए मेरी बेटी को इस बकरी को निकाल के बाहर भगा दी। ये देखिए ये काली वाली बकरी है, कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रख देती है सबको। ये यही बहुत ज़्यादा, देखिए इधर इस घर में अकेले बंद हो गया, बहुत परेशान करके रख देता है सबको। और ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी खूब तेज़ बारिश आएगी, बट आएगी तो आएगी ये हमें लग रहा है। और ये देखिए इसका घाव ठीक हो, ये देखिए कैसे खिला रही है, ये देखिए पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के, ये देखिए परेशान करके रख देती है इसको। और देख कैसे, ये देखिए सारा बकरी आ गई, अब इतना ही है। आरो नहीं है रे, आरो भाग गया, आरो भाग गया है ही नहीं। एक दो बार छींक आएगा कि बाद में नौटंकी करती है छींक करके, अच्छी अच्छी करके। ये देखिए गेट कैसे लगा, इसे तो लगेगा नहीं, पक्का नहीं लगेगा। लगा के घिसता हो रहा है सुबह का टाइम, और इसको देखिए नहाने के लिए पहुंच गई है। अभी हो रहा है सुबह का ही टाइम, 11:30 बज रहा है और अभी मैं झाड़ू लगाई हूँ दूरा पे, दिखाती हूँ। सुबह से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी जिसकी वजह से आज लेट झाड़ू लगाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है आज हड़ताल का तीज भी है और आज हमारे यहाँ चर्चन पवनी भी है, तो वही हमारे यहाँ पवनी होगा तीज में। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, कुछ वीडियोज़ बनाना था तो मैं बना ली हूँ। बाकी बात मैं सोची थी कि तीज पर स्पेशल तीज के लिए रेडी होकर की वीडियो बनाऊँगी, बट इस सिचुएशन में नहीं बना पाई। और ये देख सकते हैं बाहर निकला हुआ है बॉक्स भी, क्योंकि भींग गया था, रात में बारिश आया था जिसकी वजह से सूखने के लिए डाला हुआ है, देख सकते। और हाँ, क्या कहते हैं, अगली बार हो सकता है तो मैं भी तीज करूँगी, तो आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी मेरी बेटी को देखिए एप्पल खा रही है ऊपर और कार्टून देख रही है, वो देख रही है आप लोग को, वो देखिए कैसी खा रही है। और बहुत लोगों का कमेंट आता है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, अरे 2 साल की बच्ची, अभी 2.5 साल भी सही से नहीं हुआ है इसका, ठीक है 2.5 साल अक्टूबर में होगा, तो इतनी छोटी बच्ची को अभी से ही पढ़ाई करने के लिए कैसे फोर्स करूँ मैं। और वो इसको खुद कुछ ना कुछ ये मोबाइल से हमेशा सीखती रहती है, यहाँ तक कि जो ये हिंदी में बोलती है ना, ये मोबाइल से ही सीखी है, और मोबाइल में कार्टून ही नहीं देखती, कुछ कुछ सीखने वाला। ये देखिए मेरी बेटी रानी कितनी प्यारी लग रही है, कैसे सोई हुई है, ऐसे सोई है, पूरा बाल इसका उड़ के आगे आ गया है। ये देखिए क्यूटी पाई को, मेरी बेटी तो सो गए, घर पे कोई नहीं, सारे लोग काम में लगे हुए हैं, मम्मी गाय के गोबर से लीप रही है आंगन। तो अभी मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी, ठीक है। और आप लोग सोचते होंगे बिना नहाए धोए ये रेडी होकर के वीडियो बनाती है, मैं बताऊँ जैसे कि हम नहा धो करके जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़े में वीडियो शाम को हम नहीं बनाते, सुबह में ही बनाते हैं ना, तो इसलिए सुबह में जैसे कि शाम में हम नहा करके पहने कपड़े वो कल होकर के सुबह में रेडी होकर के बना करके उसके बाद फिर नहा करके चेंज करते हैं, ठीक है। इसलिए गलत कॉमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं नहाने के बाद आप सभी लोग, तो फाइनली अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरी बेटी अभी तक सोई हुई है, ये देखिए अब तक सोई हुई है। और क्या कहते हैं, अभी मम्मी भी नहा रही है, मम्मी नहाएगी फिर पूजा का सारा पकवान बनाएगी, और मैं तो बना ही नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी के बाद से देखिएगा तो मैं मम्मी को दिखाऊँगी, मम्मी सारा काम करेगी। और मुझे, मैं बताऊँ, अक्सर जैसे कि वीडियो में बहुत से लोग का कमेंट आया था, जैसे कि जिस वीडियो में मेरी बेटी बर्तन धो रही थी, कह रही थी क्या तुम तो खुद कुछ करती नहीं, कम से कम तुम्हारी बेटी तो अच्छी है ना, तुम्हारी बेटी तो नानी कहती। तो मैं बताऊँ, ये पहली बार आप लोग ऐसा देख रहे होंगे, नहीं तो मैं जब से वीडियो बना रही हूँ अक्सर हमें ही देखते होंगे खाना बनाते हुए, और मुझे खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सही बताऊँ तो यूँ बना लेती हूँ, खाना बनाने भी आता है और जल्दी भी बना लेती हूँ। बट मुझे अभी डॉक्टर बैठने से ज़्यादा मना किया है, क्लियरली बोल दे रही हूँ, नहीं बोलती हूँ तो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो डॉक्टर मुझे बैठने से मना किया है, तो इसलिए मैं बैठ कर बनाती हूँ थोड़ा बहुत। जब मम्मी कुछ काम करने के लिए उठती है तो कभी कभार ऐसे चलाने के लिए चली जाती हूँ, बाकी बात मैं खाना नहीं बनाती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, मुझे ज़्यादा चलने के लिए और लेटे रहने के लिए डॉक्टर बोली है, तो इसलिए मैं झाड़ू, मुझे झाड़ू लगाते हुए ज़्यादा देखिएगा और कुछ। इसलिए मैं कहती हूँ गलत कमेंट करने से पहले न किसी के बारे में जान लें, भलाई होती है। गलत कमेंट करने से ये पता है सामने वाले को कैसा लगेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बोलने वाला कुछ भी बोल देता है सामने वाले को कैसा लगेगा, ये मतलब कोई भी थोड़ा जरा सा भी कोई सोचता नहीं है। हाँ,
मैं बहुत दिनों से सारी बातें को इग्नोर मार रही थी बट क्या करूं, इतना मजबूर कर देते हैं कि सारी बात मुझे बोलना ही पड़ता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही बने रहिए और अभी से गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी से मम्मी ही सारा काम करती हुई दिखेगी, पूजा का सामान सारा मम्मी ही बनाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेरी बेटी उठ गई, आइसक्रीम वाले जा रहे थे डुगडुगी बजाते हुए इसलिए उठ गई, इसलिए इसके लिए आइसक्रीम खरीदे और खुद के लिए भी। ये देखिए ऐसे खा लिए बायां हाथ में लेके खा, नहीं दायां हाथ में लेके खा ली। आप लोग को पता है इसका मुंह क्यों फूला हुआ है? आइसक्रीम ख़त्म हो गया तो इसको आइसक्रीम तुरंत चाहिए, बस आइसक्रीम वाले चले गए तो मैं कहाँ से ढूंढ करके इसको आइसक्रीम खिलाऊँ। नमकीन दी उस टाइम दी थी तो खा नहीं रही थी, अभी दी हूँ तो खा रही है। देखिए तो ये देख सकते हैं मम्मी पूजा के लिए लड्डू बना रही है, चीनी वाला, ये देख सकते हैं। हाँ, पूजा की तैयारी चल रही है। इसको देखिए नानी पवनी का सामान बना रही है और ये आलू पूरा गिरा दिए नीचे और बदमाशी कर रही है। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, ये देखिए क्या बोलिए, भाग। देखिए ये देखिए कैसे कैसे कर रही है, फोड़ के मानेगी। देखिए अब देखिए मेरी बेटी काम कर रही है, आलू वहां से उठा उठा करके ला करके पन्नी में रख रही है, अब मुझे पन्नी पकड़ा रखी है। ये देखिए परेशान हो रही है, इसको देखिए परेशान कर रही थी तो इसको कोई काम दे करके इसको भुलाई हुई है। देखिए पानी में डाल करके पानी को उड़ा रही है। ये देखिए अभी बन रहा है पूरी और ठकुआ बन चुका है, पूरी बनेगा, उसके बाद शाम हो ही गया है, अब चढ़ेगा भगवान जी को, चांद मामा को। अभी हो रहा है शाम का टाइम, बज रहा है 6:15 और मेरी बेटी गई है अपने मामू के साथ दुकान, पता है क्यों? क्योंकि उसको ना बचा के ही रखना पड़ रहा है छुपा करके, क्योंकि मम्मी बना रही है पकवान, देख करके कह रही थी वाह क्या है, ऐसे करके टूट पड़ी उस पर, जल्दी से उसको पकड़ करके लाए, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, बच्ची है उसको खाने का मन कर जाता है ठेकुआ पूरी देख करके। तो गई अभी दुकान चीज़ लाने के लिए, तो वही अभी गई हुई है चीज़ें लाने के लिए, उसको कैसे भी बुलाई, उसको ले करके बाहर में ही रखना होगा और भाई जाएगा वो कुछ कुछ करेगा वहाँ पर, मेरे से नहीं होता है इसलिए वो जाएगा वहाँ पर करेगा, और मेरी बेटी अभी आती ही होगी दुकान से। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी, ये जो बछिया को हो गया है ना घाव यहाँ पे, पता है क्या था, यहाँ पे ना इसको तार चुभ गया था खाना में ना, पता नहीं कैसे ये खा गई तार, जिसकी वजह से इतना बड़ा घाव हो गया था, डॉक्टर निकाले इसको, तो अब जाके बस पट्टी वगैरह होता है, अब जाके ठीक हो गई, वरना बहुत ही पता नहीं कितना दुख झेली है बेचारी, खाना लेकिन फिर भी खाती थी, बताइए यहाँ पर इतना बड़ा था, बड़ा वाला सुई होता है ना उतना बड़ा था। देखिए बिल्ली, ये देखिए और आप लोग सोचते होंगे अचानक से बकरियाँ इतनी कम क्यों गई, क्योंकि बेच दिया गया है, क्योंकि मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी करते करते, बहुत ज़्यादा हो गया था, इसको भी घटाना है। मैं तो कहती हूँ कि मम्मी को नहीं रखने के लिए, लेकिन फिर भी उसको रखना ही रखना है। तो ये देखिए पहुँचा करके जा रहा है जिसका साइकिल लिया था, और ये इसको देखिए कितने सारे चीज़ें लेके आई है, पार्ले जी बिस्किट लेके आई है, बड़ी बड़ी चॉकलेट लेके आई है, लॉलीपॉप और ऊपर से सन पापड़ी इसका फेवरेट। तो देखिए पन्नी नीचे रख दिया, ये चॉकलेट फाड़ करके खाएगी, बहुत बड़ी वाली चॉकलेट मैं इसको नहीं दिलवाती हूँ, लेकिन ये जा करके यही लेके आई है, और मैं खा रही हूँ लॉलीपॉप ना बिट्टू, और तू खा रही है चॉकलेट, इसमें से कागज़ तो हटा ले पहले, कागज़ ला। ये देखिए अमरुद देख रहा है, पूजा में चढ़ाने के लिए अमरुद तोड़ा जाए, ये वाली पूजा में ना जितना भी फ्रूट्स चढ़ा सके, अमरूद चढ़ता है, शरीफा चढ़ता है, सेब चढ़ता है, अनार चढ़ता है, केला चढ़ता है, अनानास चढ़ता है, अलवा और क्या कहते हैं मकई का बाल चढ़ता है, और बहुत से चीज़ चढ़ते हैं, लड्डू चढ़ती है, फूल चढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मकई का बाल और अमरूद लेके जा रहा है, जा करके धो धा करके सारा रखेगा एक दौरी में, नहीं जिस थाली में चढ़ता है ना उस थाली में रखेगा, इसको लेकर के मैं वहाँ पे जाऊँगी तो बहुत परेशान करेगी और मैं कूद कूद के कुछ कर नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे खिला रही हूँ, मेरा इसको देखने का ड्यूटी है। देखिए दादी अम्मा को बैठ करके चॉकलेट खाएगी, लेकिन चौकी पे नहीं चल सकती, जा रही हूँ तोता को पार्ले जी बिस्किट देने, बेचारा बिस्किट खाने में एक्सपर्ट है, रहा तोता, ये लो तोता खाओ, दोनों झगड़ा ही करने लगता है, ले एक दूसरे से,
छीनने लगता है। खड़ा देखिए, सारा चीज खाली है, बस बिस्किट बचा था, पानी में डुबा के बिस्किट खाएगी। ये देखिए यहाँ पे लिपा गया है, यहीं पे पूजा होगा। जा रही हूँ चांद देखने, चांद निकला कि नहीं, क्योंकि सूर्यास्त होते ही चांद निकल जाता है, बट दिखता नहीं है, उस साइड में रहता है, क्योंकि हमारे तो पेड़ पौधा काफी ज्यादा है। वो देखिए फाइनली चांद निकल आया है, अब पूजा होगा। जा रही हूँ मम्मी से बोल, हर पर से चांद नहीं दिखते हैं, इधर आकर के खेत में से देखने के लिए आई थी, चांद निकल आया, पूजा होगा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही है, इसको शांत करना है, क्योंकि मैं खेला खेला के उसको परेशान हो गई। देखिए सारा निकाल निकाल के तैयारी हो रहा है। देखिए मम्मी डिजाइन बना दी है। ये देखिए सारा प्रसाद चढ़ चुका है, मम्मी अगरबत्ती जला रही है, पूजा अब हो जाएगा। फाइनली पूजा हो चुका है, मम्मी देख सकते हैं को, देखिए खाने के लिए पहुंच गई। ले ले इसमें से, ले ले जो लेना, केला ले ले, केला केला। तो देखिए नारियल कैसे फोड़ रही है, इसको कोई नहीं फोड़ के दे रहा है, तो इसको नारियल ही खाना है और कुछ नहीं। तो फाइनली दोस्तों हमारे यहाँ पूजा हो चुका है और सब लोग सब कुछ खा रहे हैं, और मेरी बेटी ये देखिए नारियल उठा करके भागी, कह रही है मम्मी नारियल खाना है। ये देखिए इसको लो, खाओ ऐसे ही खा लो। तो ये वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, आप लोग ये वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय सभी लोग।